अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है जनाब। आज मैं घर में फ्री बैठा हुआ था। वीडियोस जो है इंशाल्लाह जो नई आने वाली है उसमें आपको मैं GTA 5 कैसे डाउनलोड करते हैं और कैसे इंस्टॉल करते हैं इसके बारे में वीडियो जो है वो आने वाली है जल्दी। और आज बस फ्री था थोड़ा सा, तो मैंने कहा थोड़ा लैपटॉप जो है वो अपग्रेड कर लें। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि मैं जनाब अपना जो लैपटॉप है ना उसमें रैम जो है वो अपग्रेड करनी है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, रैम जो है अपग्रेड करके दिखाते हैं आपको अपने लैपटॉप की, और आपको दिखाते हैं लैपटॉप कौन सा है हमारे पास जो है जिस पे वीडियो शीडियो बनाता हूँ। तो बंद करते हैं ये, देखें मैं दिखाऊँगा आपको, ये मेरा लैपटॉप है। तो इसको बंद करते हैं जल्दी जल्दी से, क्लोज करते हैं और इसको जनाब शट डाउन करते हैं। शट डाउन। तो काफ़ी दिनों से ये प्लान था मेरा कि मैं इसकी रैम जो है वो चेंज करूं, तो आज थोड़ा सा टाइम मिला तो इसकी जो रैम है वो चेंज करते हैं। और साथ में आपको मैं थोड़ा दिखा दूं कि ये थोड़ा सा एक मेरा ये सेटअप है जहाँ पे मैं बैठता हूँ। इस तरफ के एक मेरा वाइट बोर्ड लगा हुआ है, ये देखा जी। तो अभी लैपटॉप बंद हो गया, लैपटॉप की पिने शिने उतारते हैं और केबल, ये एक मेरा लैपटॉप है जिस पे मैं वीडियोस वगैरह बनाता हूँ। तो इसकी जो है हमने करनी है रैम। तो कैमरे को मैं नीचे करता हूँ। ये दोस्तों रैम है और इसको खोलने के लिए हमारे पास ये है जी हमारा स्क्रू ड्राइवर वगैरह, और यहाँ से हम इसको नेगेटिव ले लेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी खुला पड़ा हुआ है सारा मेरे पास, क्योंकि इसको मैं अक्सर खोलता रहता हूँ, कभी बंद कर दिया कभी खोल दिया। तो अभी जो है इसको मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि ये किस तरह खुलेगा। ये लैपटॉप है, इसको यहाँ से पैनल इसका बाहर निकलेगा, बड़ा इजी काम है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है अगर आप खुद इसको करना चाहें तो। और इंशाल्लाह जो मैं लर्निंग आपको लाऊंगा आपके लिए जल्दी हार्डवेयर की। तो ये पैनल जो है हमारा खुल गया है, इसको ये जो जनाब इसका पैनल उतर गया, ये है लैपटॉप हमारा। और एक चीज़ मेरी गुम गई है यहाँ पे हम ये वाली जो रैम है ये जो एडजस्ट करते हैं इसकी, ये एक 4GB रैम जो है वो पहले लगी हुई है, एक 4GB रैम जो है वो पहले लगी थी, और एक जो रैम है वो अब इसमें मैंने इंस्टॉल की है। अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखें जी, ये दो जो है मॉड्यूल मेरे पास, एक ये मॉड्यूल है एक ये मॉड्यूल है, 8GB रैम जो है हो गई है। तो इससे पहले कि इसको हम बंद करें तो इसकी थोड़ी सी चार्जिंग लगा के इसको चेक कर लें ज़रा कि डिस्प्ले दे रहा है या कि नहीं दे रहा। तो इसको जनाब यहाँ से खोल के देखते हैं और ऑन करते हैं, तो लो जी डिस्प्ले आ गई है हमारी 8GB रैम के साथ। अभी इसको हम बंद करेंगे दोबारा से, इसको बंद करेंगे, ये इसका कवर है। जी जनाब जो रैम है वो लगा ली है, 8GB रैम हो गई है, पहले 4GB थी। तो अभी इसको हमने बंद कर लिया है लैपटॉप को,
अब इसको हम बैटरी लगाते हैं, और बैटरी जो है वो मैं आपको दिखाऊं कि ये जो है सिलसिला हमारा बैटरी लगाने का, बैटरी लग गई है और बस इतना सही काम है इसका। GB रैम जो है वो लगा लिया लैपटॉप में। अभी ये देखें, यहाँ पे हमारा जो सेटअप होता है, यहाँ पे लैपटॉप मेरा पड़ा होता है, और इसको दिखाऊँ मैं आपको। सबसे पहले एक चार्जिंग पोर्ट है, चार्जिंग जो इसकी वो लगाने वाली है। दूसरा इंटरनेट की तार सिंपल एक, और यहाँ पे एक और वायर होती है मेरी, वो है माउस की, और ये जी माउस लग गया। और ऑन करके देखते हैं इसको कि चलता है कि नहीं चलता। 8 GB रैम जो है वो इसमें अपग्रेड कर ली है। यार ये एक गिर गया इसका नीचे, पता नहीं कहाँ गया है, तो इसको बाद में देख लेंगे कि कहाँ जाता है। सिस्टम ऑन हो गया है, और ये हमारा जो एक इसका जो है ना वो घूम गया है, वो हम बाद में ढूंढ लेंगे। चलो, तो आज की जो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड तो कोई नहीं थी, बस मैं आपको थोड़ा सा आपसे बातें करना चाह रहा था, मिलना चाह रहा था। तो मैंने अपने लैपटॉप की रैम चेंज करनी थी, तो मैंने आपको दिखाया कि लैपटॉप की रैम जो है वो चेंज हो गई है, 8 GB रैम हो गई है। अब थोड़ा सा ज़रा काम अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे एक अगर आपको दिखाऊँ तो ये एक LCD पड़ी हुई है 24 इंच की, तो इसको भी साथ कनेक्ट करने का चाह रहा था कि इसको मैं कनेक्ट करूं साथ, बट उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें लेके आया हूँ। ये एक केबल है HDMI, और ये एक पोर्ट है DVI to HDMI। ये दो चीज़ें मैं लाया हूँ, इंशाल्लाह इसको चला के फिर आपको दिखाएंगे। और अभी लैपटॉप जो है वो ऑन हो गया। और एक और थोड़ी सी अपग्रेडेशन की है कि यहाँ पे जो मेरा कीबोर्ड है, इसका लैपटॉप का जो कीबोर्ड है वो यूज़ कर कर के ख़राब हो रहा है, तो मैं एक नॉर्मल कीबोर्ड जो मिलता है बाज़ार से वो कीबोर्ड भी ले आया हूँ साथ लगाने के लिए। तो बस थोड़ी बहुत इसकी चीज़ें इंस्टॉलेशन वगैरह आपको दिखानी थी, तो मैं कीबोर्ड अभी दिखाता हूँ आपको, जो मैं कीबोर्ड लेके आया हूँ। अच्छा जी, कीबोर्ड जी, ये कीबोर्ड है हमारा, डेल का कीबोर्ड है, सिंपल सही, कोई इतना महंगा नहीं है, सस्ता सा कीबोर्ड है। इसको जो है वो हम लगाते हैं यहाँ पे, यहाँ पे। बाकी जब हमारा इसके साथ वो लग जाएगा, वो जो बड़ी LCD लग जाएगी, तो फिर हमें काफ़ी आसानी जो है हो जाएगी। तो यहाँ पे कीबोर्ड जो है उसको भी कनेक्ट कर लेते हैं। कीबोर्ड कनेक्ट हो गया, तो कीबोर्ड मेरा ख्याल है कि इसको नीचे ही रखना है, LCD थोड़ी जी। तो 8 GB रैम जो है वो इंस्टॉल हो गई है। माइक नहीं है भाई, माइक हमारे पास सस्ते वाला माइक है, इसलिए बस इससे ही काम चलाना पड़ता है। और इंशाल्लाह अगर आपका साथ मेरे पास मेरे साथ रहा, तो हम इस चैनल को बहुत बड़ा चैनल बनाएंगे, पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल बनाएंगे टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो। क्योंकि हम लोगों के साथ अच्छे हैं, हम अपने जो सब्सक्राइबर हैं उन्हें हम ओरिजिनल कंटेंट देते हैं, और यहाँ पे भी इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दूँ पूरी ओरिजिनल सच्चाई के साथ दूँ। तो लैपटॉप की थोड़ी स्पीड स्लो थी, तो मैंने कहा चलो इसकी रैम चेंज कर लेते। तो दोस्तों इसकी रैम चेंज वेंज की है, अभी इंशाल्लाह GTA 5 पे जो है वो, उसमें से जो मेरी पिछली वीडियो है उसमें GTA 5 के लिए आपको मैंने कंप्यूटर बताया था, तो इंशाल्लाह अभी जो है GTA 5 को कैसे डाउनलोड करते हैं और उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं वो भी वीडियो जल्दी आने वाली है। तो इंशाल्लाह वो वाली जो वीडियो है वो मैं आपको जल्दी बना के इंशाल्लाह भेजूंगा। और जो पिछली हमारी 5 रिव्यूज़ वाली वीडियो थी, उसमें भी हमने 2 रिव्यूज़ कर दिए हैं, और इंशाल्लाह TP-Link का आज शाम को आएगा या गेम आज शाम को आएगी। तो आप देखते रहें मेरे चैनल को, और अभी के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अभी कुछ वक़्त के बाद करते
काम स्टार्ट करने वाला हूँ बस वीडियो के ऊपर। तो अभी मैं बस रैम मेरी हो गई 8 GB। तो अभी मैं ये देखें, ये कुछ ये मार्कर्स वगैरह भी लाया हूँ अपना और वाइट बोर्ड के लिए, और बस वर्किंग स्टार्ट होने वाली है। तो वीडियो मेरी देखते रहें इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, नई वीडियो के साथ शाम को या सुबह इंशाल्लाह हाज़िर होंगे।